I never expected a Singhania to behave like this. And that also my son. That's what makes my life incomplete. I have written that in my book also. I have addressed it to parents that, gentlemen, if you won't love your children and you want to give them happiness or money or whatever, by all means do it in your lifetime. Don't give it today. Put it in your will. They will get it after you are dead. They won't be able. नमस्कार. सुना आपने, ये हैं विजय पद सिंघानिया. रेमंड्स वाले कभी न कभी कपड़े पहने होंगे रेमंड्स के. 10,000 करोड़ की कंपनी है. इन्होंने जो कुछ कहा अपने दर्द से उपजा है और इनकी जिंदगी का अनुभव है, इन्होंने भुगता है. अब इतना बड़ा उद्योगपति कह रहा है कि भैया अपनी संपत्ति जीते जी अपने बेटे को ना दो. मैं कुछ और कहने वाला हूं, आप सुनिएगा. और ये जरूरी है कि इस बात को सुने, समझें. अब मैं भी अनुभव से ही कह रहा हूं, भुगतान नहीं है अभी. लोगों को भुगतते देखा है. अपने बच्चों को जीते जी अपनी संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं दें? अरे मेरा बेटा अच्छा है, सुंदर है, सुगर है, अनुशासन में रहता है, मां बाप की इज्जत करता है, क्यों ना दें? देखिए, अगर आपका बेटा सुपुत्र है तो वो रहेगा, आज भी है कल भी रहेगा, आपके जीते जी है तो आपके मरने के बाद भी रहेगा. और अगर बेटा आपका सुपुत्र है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और आपने अपनी संपत्ति उसको दे दी, तो ऐसा नहीं है कि उसका चरित्र बदलेगा, तभी आप प्रॉब्लम में होंगे. उसकी जिंदगी में जो महिला आएगी, जो औरत आएगी, जो उसकी पत्नी होगी, आपकी बहू होगी, वो संपत्ति की आधी की भागीदार हो जाएगी उसकी जिंदगी में दाखिल होते ही. अगर बाप की कमाई संपत्ति है तो वो तो आपकी है ना. अगर कुछ लफड़ा हुआ आपके बेटे को उसकी जिंदगी में, तो उसने जो कमाया है, उसकी जो तनख्वाह है, उसी में निपटेगा ना. लेकिन जब आपने उसको अपनी संपत्ति दे दी, अपनी कमाई हुई संपत्ति दे दी, तो वो भी उसके हिस्से की हो गई, उसके नाम का हो गया, उसमें भी आधा का अधिकार उसकी वो पत्नी होगी जो उस पर घरेलू हिंसा की मुकदमा करेगी, या तलाक की मुकदमा करेगी, या उस पर कुछ भी, एनीथिंग अंडर द सन. जो मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, बहुत ही क्राइम है वो आज की तारीख में, उससे आपको बचना है कि नहीं, ये बताइए. आपकी संपत्ति आपकी तो है, आपके बच्चों की है, तो भैया बहुत ज्यादा संपत्ति है तो विल लिख लो, कह दो मैंने मरने के बाद ये हो जाएगा. ना लिखो, जो होगा अधिकार होगा, उत्तराधिकारी है वो लड़के ले लेगा. इतना तो दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, नहीं तो एक 10 सेकंड का ये वीडियो है, ये देख लो, अब बहुत आनंद आएगा. अरे पुत्र, घायल तो मैं हुआ, अपमान तो मेरा हुआ है, अपमान तो हुआ है मेरे पूर्वजों का. पूर्वजों तक की ऐसी तैसी हो जाती है, समझ रहे हैं ना. तो आपकी जो कमाई हुई संपत्ति है, उससे अपने बच्चों को तराश दिए, उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें अच्छा बनाइए, उनके जीवन में खुशियां हैं इसकी कोशिश कीजिए, और जीते जी उसे अपनी संपत्ति का वारिस अधिकार मत दीजिए. वो वारिस है, जन्म से है, कानून से है, वो ले लेगा आपके बाद. अगर आपने जीते जी अगर ऐसा किया, तो अगर वो बहुत ही अच्छा है, सच्चा है, पितृभक्त है, मातृभक्त है, फिर भी उसकी पत्नी उस वो संपत्ति उससे आधी लेकर के साफ. आप जब बेटे से लड़ाई हुई ना विजयपत सिंघानिया की, तो जिंदा है ना. अगर बहू की वजह से ये सारी बातें हुई होती तो आत्महत्या करनी पड़ती.
समाज में जो बदनामी होती है अलग से, सोसाइटी ऐसा है ना हमेशा से। तो हम कहते आ रहे हैं कि हमारे घर में महिलाओं की चलती है इज्जत इतनी है। हमने तो कभी पैट्रिकल सोसाइटी शब्द अभी जब आज से 10-20 साल पहले जब सुनने लगे ये धारा क्या कहते हैं 498A आ गया है, ये 125A आ गया है, और अब तो 375 का जो एक्सेप्शन है वो भी हटने वाली है, पत्नी के साथ संबंध में कहते हैं सम्मति न हो तो दुष्कर्म। तो देखिए विजयपत सिंघानिया जी को अपने आइडियोलॉजी मानिए और वो जो कहते हैं उनको सुनिए समझिए। आप अपनी संपत्ति से अपने बच्चों को तराशिए, उन्हें अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए, उनके ज़िंदगी में खुशियां लाइए और जीते जी ये संपत्ति अपने पास ही रखिए। अगर ऐसा है तो आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है और वो संपत्ति जो आपने कमाए अपने खून से, अपने दिमाग से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी मेहनत से, उसका सही उपयोग होता रहेगा। वो किसी लड़ाई में, पति पत्नी की लड़ाई में, बेटे और बहू की लड़ाई का हिस्सा बन के बर्बाद नहीं होगा। चलिए सबका परिवार सुखी हो, समृद्ध हो। हम तो राष्ट्रवादी चैनल है, हम कहते हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल।